नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है आज की 40 बड़ी खबरें। मेरे साथ हैं पवन सिंह। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद से लड़ेंगे। भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुई सावित्री बाई फूले बहराइच से लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश से 16 और महाराष्ट्र से कुल 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पूरे विश्व में मौत की सजा पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के एक मामले में बेहद अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी मुजरिम को मौत की सजा तभी सुनाई जाए जब उस मामले में आजीवन कारावास की सजा भी अनुचित लगे, यानी जुर्म के हिसाब से कम दिखाई दे। अपने खिलाफ वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगते देख जनता दल सेकुलर सुप्रीमो एसटी देवगौड़ा एक कार्यक्रम में रो पड़े। केवल पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, उनके बड़े बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना भी रो पड़े। जेडीएस से लोकसभा चुनाव में देवगौड़ा के दोनों पोतों निखिल कुमार स्वामी और प्रज्वलों के क्रमशः मांडिया और हासन सीट से टिकट देने के फैसले के कारण देवगौड़ा परिवार पर वंशवादी राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं। अखिल भारतीय टायर डीलर्स फेडरेशन ने वाहनों के ट्यूब पर जीएसटी बढ़ाने संबंधी प्रतिवेदन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा है। इस पर जीएसटी परिषद की 19 मार्च को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमीं पर मौजूद आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तब तक उसे कोई बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में आर्थिक तंगी से परेशान एक किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगर आप होली पर अपने गांव जाना चाहते हैं और टिकट नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। होली पर यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने 6 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसमें वातानुकूलित से लेकर अनारक्षित ट्रेन तक शामिल होंगी। यह यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के जनपद बस्ती में पुलिस ने एक ट्रक से 420 पेटी अवैध शराब जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत आबकारी विभाग के द्वारा 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के रही कवारा गांव में महज 2 लाख रुपए की फिरौती के लिए एक 4 साल के मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या का खुलासा डॉग स्क्वाड की टीम ने किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की तहसील संबल की रहने वाली 3 तलाक पीड़िता समीना बानो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। समीना ने कहा है कि बीजेपी ने उसके जैसी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए प्रयोग किया है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों को जवाब देने के लिए वह रामपुर सीट से इस बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने में ढिलाई बरतने पर असम सरकार को फटकार लगाई और 27 मार्च तक विस्तृत विवरण दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है लेकिन सरकार अब तक इन लोगों को वापस नहीं भेज सकी है। शीर्ष अदालत ने विदेशी ट्रिब्यूनल के कामकाज पर नाराजगी जताई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख को मसूद अजहर जी कहने पर असम के एक गैर सरकारी संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ मोरी गाँव थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी बुधवार को दर्ज कराई गई। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सिस्टम में नकदी तरलता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक $5 अरब डालेगा। ये नकदी बैंकों के साथ 3 साल के लिए विदेशी विनिमय प्रबंधन के जरिए डाली जाएगी। इस प्रावधान के तहत बैंक स्वैप अवधि के आखिर में RBI को अमेरिकी डॉलर बेच सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद जेनरिक दवाएं देने का अधिकार अब फार्मासिस्ट को मिलने जा रहा है। जल्द ही फार्मासिस्ट मरीज को पर्ची पर लिखी ब्रांडेड दवा का जेनरिक विकल्प दे सकेंगे। हालांकि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1945 के तहत ये अधिकार फिलहाल जन औषधि केंद्रों को मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में इस समय करीब 5000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। पूर्ण राज्य के दर्जे पर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने जहाँ भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को जलाया तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 70 पॉइंट एक्शन प्लान का दिल्ली के जंतर मंतर पर होलिका दहन किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ के नारे लगाए। चांदनी चौक टू चाइना का सफर तय करने वाले बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार अब संसद तक का सफर तय कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है कि भाजपा द्वारा उन्हें चांदनी चौक सीट से लोकसभा का टिकट थमाया जा सकता है। BSP का अमेठी व रायबरेली से भी गठबंधन का प्रत्याशी उतारने का मूड। मायावती से मुलाकात की अखिलेश यादव ने।
आईटी दिग्गज और विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने विप्रो लिमिटेड के 34% शेयर परोपकार कार्य के लिए दान कर दिए हैं। इन शेयर का बाजार मूल्य 52,750 करोड़ रुपए है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने बयान में कहा, अजीम प्रेमजी ने अपनी निजी संपत्ति का त्याग कर उसे धर्मार्थ कार्य के लिए दान कर परोपकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के गायत्री नगर में सराफा कारोबारी के यहाँ बदमाशों ने धावा बोला, गोली मारकर आभूषण लूट लिए, भागते समय बाइक सवार और ऑटो चालक को भी गोली मारी। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने की भारत की कोशिश चीन द्वारा वीटो लगाने से चौथी बार असफल हो गई है। गौरतलब है कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले जैश के प्रमुख मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव अमेरिका, यूके और फ्रांस ने पेश किया था। आयकर विभाग की छापेमारी में पूर्व सीएम मायावती के प्रमुख सचिव रहे पूर्व आईएएस अफसर नेत्राम की काली कमाई के 300 करोड़ रुपये कोलकाता की 30 फर्जी कंपनियों में निवेश किए जाने के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नेत्राम ने काली कमाई से ही मुंबई, दिल्ली एवं कोलकाता में 6 संपत्तियां बनाई हैं। 36 घंटे की कार्रवाई में लखनऊ एवं दिल्ली आवास से 2.14 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। बिहार के जनपद सासाराम में 2 व्यवसायियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। घटना को लेकर सासाराम के व्यापारी आक्रोश में हैं और जल्द से जल्द हथियारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मोदी कहीं से भी चुनाव लड़े, वह उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। उनका लक्ष्य उन्हें सत्ता से बाहर कर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसके लिए चंद्रशेखर अपने आखिरी कतरे तक संघर्ष करेगा, जिसे कोई न रोक सकता है और न तोड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज में ही पैदा हुआ है और बहुजन समाज में ही मरेगा। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उम्मीद है कि रविवार तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली में बुधवार को हुई महागठबंधन की बैठक में सीटों का फार्मूला लगभग तय हो गया। यह भी बताया गया कि कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिसे 1-2 दिन में दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद घोषणा होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख जीतनराम मांझी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के महागठबंधन को बहुमत मिलने की स्थिति में वह व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। मांझी ने उन खबरों को खारिज किया कि महागठबंधन में बिहार के कुल 40 सीटों के बंटवारे में उनकी पार्टी को सिर्फ 1 या 2 सीटें ही मिलेंगी। लुधियाना जिले के चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार मतदाता सूची में 265 वर्ष के पुरुष व महिला समेत एक 144 वर्ष के मतदाता का भी नाम है। लुधियाना विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कम से कम 273 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 118 वर्ष दिखाई गई है। बतौर रिकॉर्ड सूची में 100 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 863 मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 3 युवकों के शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मौके वारदात से एक पॉलिथीन में नशे के इंजेक्शन सिरिंज व एक बाइक बरामद हुई है। मसूद अजहर के मामले में चीन के भारत के खिलाफ रुख पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने विवादित ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से डर गए। पड़ोसी देश चीन एक बार फिर आतंकी मौलाना मसूद अजहर के साथ हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति की बैठक में चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत की कोशिश को धूमिल कर दिया, जिसके बाद भारत ने कठोर आपत्ति दर्ज कराई है। भारत के साथ अमेरिका भी आ गया है। अमेरिका की ओर से यूएनएससी में कड़ा बयान दिया गया है कि अगर चीन लगातार इस तरह की अड़चन बनता रहा तो जिम्मेदार देशों को कोई और कदम उठाना पड़ेगा। गुजरात के राजकोट में करीब एक हफ्ते पहले पबजी पर प्रतिबंध को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन लोगों ने इसके बावजूद भी पबजी खेलना नहीं छोड़ा। बीते 2 दिनों में राजकोट पुलिस ने पबजी खेलने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 6 छात्र हैं। पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल का कहना है कि 6 मार्च को गेम पर प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने मंगलवार को प्रधानमंत्री टेरेसा द्वारा प्रस्तावित ब्रेक्जिट डील, यूरोपीय संघ से यूके के निकलने की शर्तें दूसरी बार खारिज कर दी गईं। इस डील के समर्थन में 242 जबकि विरोध में 391 वोट पड़े। गौरतलब है कि यूके के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की अंतिम तारीख 29 मार्च है। इथोपिया में बोइंग 737 MAX 8 विमान क्रैश के बाद कंपनी ने अपने नए विमान 777X की लॉन्चिंग टाल दी है। बोइंग ने पिछले हफ्ते 777X को सबसे बड़ा विमान बताते हुए कहा था कि यह 425 यात्रियों को ले जा सकता है। गौरतलब है कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चीन ने 737 मैक्स विमानों पर रोक लगा दी है।
ब्रिटेन ने मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है जो ब्लैक होल पर की गई हॉकिंग की रिसर्च से प्रभावित है। हॉकिंग की बेटी लूसी ने कहा, सिक्के पर चित्रित होना सौभाग्य की बात है। इससे पहले आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्का जारी हो चुका है। उत्तर कोरियाई सरकारी एजेंसी KCN ने बताया कि देश में रविवार को संसदीय चुनाव के लिए हुए मतदान में 99.99% लोगों ने वोट डाला, जबकि पिछली बार चुनाव में मतदान 99.97% था। KCN के मुताबिक कुछ लोगों के बाहर काम करने के कारण मतदान प्रतिशत 100% नहीं रहा। हालांकि इस चुनाव में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं होता। इटली में इस हफ्ते एक नया कानून प्रभावी हुआ जिसके तहत स्कूल में 6 वर्ष से कम उम्र के बिना टीकाकरण वाले बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन होने पर माता पिता पर 39,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह कानून ऐसे समय में प्रभावी हुआ है जब खसरा के मामले बढ़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने गली बॉय में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की नकल करने के लिए 10 बार यह फिल्म देखी, लेकिन वह बुरी तरह असफल रहे। उन्होंने कहा, रणवीर से मिला और कहा, शुक्रिया, मैंने आपकी नकल करने की कोशिश की और असफल रहा। बतौर अमिताभ अब मशहूर अभिनेता अपने नाम से दर्शकों को नहीं जुटा पाते हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह रणवीर कपूर के साथ काम करना चाहते हैं। बतौर कार्तिक फिल्मों के चयन की वजह से वह रणवीर से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा, अगर दो अभिनेताओं वाली फिल्म बनती है तो वह को स्टार के तौर पर रणवीर के साथ काम करना चाहेंगे। अभिनेता संजय दत्त ने आगामी फिल्म कलंक में करीब 20 साल बाद माधुरी दीक्षित के साथ काम करने को लेकर कहा, मैं अब उनके साथ अधिक काम करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, काफी दिनों के बाद माधुरी के साथ काम करना अच्छा लगा। अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म कलंक में आलिया भट्ट और वरुण धवन भी हैं। रोहित शर्मा बुधवार को दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बतौर ओपनर 121वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित ने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज हासिम आमला को पछाड़ दिया है जिन्होंने 123 पारियों में 6,000 रन बनाए थे। दिल्ली में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5वें मैच में 35 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-2 से जीत हासिल कर ली है। वहीं यह ऑस्ट्रेलिया टीम की करीब 10 साल बाद भारतीय सरजमी पर पहली वनडे सीरीज जीत है। इसके अलावा भारतीय टीम की यह 28 महीने के बाद घर पर पहली वनडे सीरीज हार भी है। आप देख रहे थे आज की 40 बड़ी खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।